वीडियो में आज आपको बताएंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एज ब्राउजर। मैं आपको बता दूं कि यह एज ब्राउजर बहुत ही पॉपुलर है और सिक्योर है। इसमें बहुत ही पॉपुलर यूनिक फीचर मिलता है। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ईजी में समझ जाइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के एंड्रॉयड iOS फोन में कैसे यूज करना है। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है राजन, आप देख रहे हैं राजन मोनिटर चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। तो आइए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा और रिसर्च बार में लिखना है एज। एज लिखते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लोगों की बात की जाए तो लोगों कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5, जो कि रेटिंग अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है। अब बात की जाए डाउनलोड की, तो डाउनलोड आप यहां देख सकते हैं काफ़ी पॉपुलर है। फिलहाल इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर लिए हैं, तो ओपन करते हैं और आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अदर ब्राउजर की तरह सेम टू सेम इसका इंटरफेस मिल जाएगा। एक अच्छी खासी बात मैं आपको बता दूं कि इस ब्राउजर में बहुत ही पॉपुलर 3 लेयर का सिक्योरिटी मिलता है। मींस इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट सिक्योरिटी मिलता है, और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। और एक बहुत ही पॉपुलर फीचर है, तो इस फीचर को हम दिखाते हैं। तो सिंपली इस न्यूज पर क्लिक करना होगा। इस न्यूज पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूज कुछ इस तरह का मिल जाएगा। तो सिंपली इसको मोबाइल साइट पर कर देते हैं। मोबाइल साइट पे करने के बाद जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इस न्यूज को आप ऑडियो के फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां पे कुछ इस तरह का मिल जाएगा, और यहां पे रीड अलाउ पे क्लिक करना होगा। इस रीड अलाउ पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑडियो के फॉर्म में रीड हो गया। मैं आपको बता दूं कि दूसरा कोई भी ऐसा ब्राउजर नहीं है कि जिसमें आप ऑडियो के तौर पे सुन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है जिसमें आपको ऑडियो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस ऑडियो को हम लिस्टन नहीं करेंगे, तो यहाँ से बाइक हो जाते हैं। एक अच्छी खासी बात बता दूं कि इसमें बहुत ही सिक्योरिटी मिलता है, और इसमें पेज बहुत ही फास्ट और सिक्योर लोड होता है। इसके बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, फेवरेट देखने को मिल जाएगा, कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से मोबाइल साइट रखना चाहते हैं या अदर साइट वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर फीचर सब, न्यू टाइप सब देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए एज ब्राउजर में जितना भी चीज़ आप डाउनलोड कीजिएगा वो एज ब्राउजर में देखने को मिल जाएगा। एक अच्छी खासी बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें पेज बहुत ही फास्ट और सिक्योर लोड होता है अदर ब्राउजर की अपेक्षा। आई होप कि मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को आप कैसे यूज कर सकते हैं।